ओके तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ मर्केंटाइल लॉ बराबर है क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो अब इतने एक्ट हम पढ़ लिए तो अपने को समझ में आ जाता है ये सब कि अब जब बात करेंगे जैसे इसके पहले हमने पार्टनरशिप पढ़ा तो पार्टनरशिप एक्ट 1930 तो वो जो एक्ट था एक्ट यानी कि उसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशन प्रोविजंस थे वो किसके रिलेटेड थे पार्टनरशिप यानी कि पार्टनरशिप में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है. सबसे पहली चीज पार्टनरशिप बनेगी कैसे धोखा करके कोई पार्टनरशिप करता है तो उसमें क्या होगा म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है उन पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होगी यानी कि पार्टनरशिप हिस्सेदारी से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस है सब कवर कर लिए. बनेगी कैसे बंद कब होगी जाएंगे कैसे आएंगे कैसे माइनर आएगा कि नहीं जाएगा वगैरह वगैरह बराबर है. कंपनीज में भी ऐसी देखें कि कंपनी बनती कैसे है मिनिमम कितने मेंबर होंगे फ्रॉड करोगे तो क्या होगा वगैरह वगैरह वाइंडिंग अप कैसे होगा. सिमिलरली अब जब आ रहे हैं ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो सीधी सी बात है पूरा का पूरा प्रोविजंस रूल्स रेगुलेशन किस पे फोकस रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट बराबर है क्या. मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है. तो अब ये बाप एक्ट है इसके पहले जो अपन ने पढ़ा याद है कि जब मैंने आपको वो पढ़ाया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो मेला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप तीनों पहले एक ही थे तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अलग कर दिया 1930 में 1932 में किसको अलग कर दिया पार्टनरशिप को बराबर. तो इसमें बचा क्या फिर इसमें बचा है सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक. सेक्शन 1 से सेक्शन 75 क्या बोलता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जनरल प्रिंसिपल मतलब पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो भी वही रहेगा यानी कि स्टैंडर्ड बोलते हैं ना जिसको ये सब में लगने वाला. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो बेसिक प्रिंसिपल है कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक. मैंने कुछ लोगों की आंखें बड़ी होती देखी जब मैं 1 से 75 बोला आपको 1 से पूरा 75 नहीं पढ़ना है जितना आपको फाउंडेशन लेवल पे जरूरी है उतना मैं पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा पढ़ाने वाला नहीं. और इसमें क्या बचा सर क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यानी कि गुड्स से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट था अपन ने अलग कर दिया पार्टनरशिप से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन थे अलग कर दिया तो इसमें बचा क्या बोले बेसिक कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे ये जनरल प्रिंसिपल और दूसरा स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट गारंटी वाले बेलमेंट वाले. तो जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है ना मतलब गुड्स वाले हटा दो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो एक अलग ही एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. पार्टनरशिप की भी हट गई तो इसमें बचा क्या कुछ चुनिंदा बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट. तो मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फाउंडेशन लेवल पे आपको दो चीज पढ़नी है स्कोप क्या है इसका जनरल प्रिंसिपल बेसिक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे बेसिक क्या रहेगा वो पढ़ना. दूसरा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का हो गया बेलमेंट हो गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बस वही पढ़ना. तो एक बेसिक और स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कौन कौन से कवर होंगे बाकी उसमें पूरा खत्म हो जाएगा. तो ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत करते अपन. तो जैसे कि आपको बचपन से ही पता है कि जैसे ही कि भाई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप भी किसके हिस्से थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के. तो जब वो पूरे इंडिया में लगते थे और जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगते थे तो ये लगेगा क्या ये तो बाप है उनका है ना. मतलब सोगा और पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है ना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन दोनों से. तो जब वो दोनों होल ऑफ इंडिया लगते थे और जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगते थे तो ये भी नहीं लगेगा. रीजन यूट्यूब का चैनल अर्जुन छाबड़ा उसमें है अनटोल्ड फैक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जम्मू एंड कश्मीर में लगता क्यों नहीं है. सिंपल फॉर्म में अगर बताएं तो भाई जम्मू एंड कश्मीर क्या है ऑटोनॉमस स्टेट है. ऑटोनॉमस का मतलब जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाता है और हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 370 के अंदर उसको बोला गया कि वो ऑटोनॉमस है तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन वो खुद बना सकता है. ये हो गई एप्लीकेबिलिटी की बात. शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पर्पस क्या है बनाया क्यों गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बराबर है क्या. क्योंकि हर एक्ट के पीछे पर्पस है. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के पीछे पर्पस क्या था कि भाई गुड्स में ओनरशिप पास कैसे होगी. अब पास कैसे होगी तो उसमें दुनिया भर की पॉसिबिलिटीज उन्होंने कवर कर ली कि पेमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा सामने वाला इंस्टॉलमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रॉन्ग क्वांटिटी आपने भेजी तो क्या हो जाएगा कौन सेलर होगा गुड्स में क्या क्या कवर होगा यानी कि एक सड़ी सी बात के लिए बना दबो क्या कि भाई ओनरशिप गुड्स में कैसे जाएगी और कैसे जाएगी में इतनी सारी चीजें निकल के आ गई जिसके लिए वो उसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को बनाया गया पूरा
360 डिग्री, यानी कि जो जो पॉसिबल बातें उसमें आ सकती थी सब घुसा दिया कि पैसे नहीं देंगे तो हम गुड्स रिटेन कर लेंगे, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा तो रिटेन कर देंगे, रीसेल कर देंगे, ना लिमकाना ना डिमकाना, सब ऐसी पार्टनरशिप के लिए कि पार्टनरशिप बनेगी कैसे, खत्म कैसे होगी, फ्रॉड कैसे होगा, सब कवर कर लिया। यानी कि फोकस किसमें किया, पूरा पार्टनरशिप में, गुड्स में फोकस किसमें किया, पूरे ओनरशिप, गुड्स में ओनरशिप कैसे जाएगी उसपे पूरा फोकस किया। कंपनीज एक्ट अपन पढ़े उसपे फोकस किसमें किया कि भाई पब्लिक का पैसा लगा है ना कंपनी में वो सेफ रहे, उसके रिगार्डिंग पूरे प्रोविजन बना दिए। अरे हाँ कि ना, अब जब कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं ना, इसका प्रोविजन बहुत सिंपल है। इसका प्रोविजन का पर्पस जो है वो ये है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। सिंपल सी बात, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा बेस्ड इस पे है, वादों पे। जो वादा किया है ना वो वादा निभाना पड़ेगा। आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए, मतलब वादे किए, आपको निभाने पड़ेंगे। पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके ऊपर है, वादों को ही पूरा करते बैठते नहीं पूरे हो तो क्या होगा, हो गए तो क्या होगा। तो लेकिन जो अल्टीमेट कोर पर्पस है ना, एक सड़ा सा, एक बेसिक सा पर्पस क्या है, वादों को पूरा करने के लिए बना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बराबर है क्या? ठीक है, आइए ना मैडम प्लीज, इधर छेड़छाड़ किए बिना बैग हटा दीजिए, आराम से जाइए। हाँ, तो बड़ू में आगे चलो, एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गया। एक अपन ने सड़ा सा पर्पस समझ लिया कि भाई वादों को पूरा करने के लिए बना है। अब मुद्दे की बात ये है सर, आपने बोला वादों को पूरा करना, वादों मींस क्या, प्रॉमिस, प्रॉमिस ही होता है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर प्रॉमिस को कैसे डिफाइन किया गया पता है क्या? बोले एक बंदा ऑफर करेगा, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा, ये हो जाएगा प्रॉमिस। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर प्रॉमिस को डिफाइन किया गया। बराबर है क्या? अब प्रॉमिस मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। तो मतलब अगर मेरे को एक लड़की पसंद आई है और मैं गुलदस्ता लेके और रिंग लेके घुटने में गिर के बोलता हूँ विल यू मैरी मी, ये मेरी तरफ से ऑफर है, और वो अंगूठी में हाथ डाल लेती है, यानी कि एक्सेप्टेंस है। ये हो गया प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस? कि अब हमारा लगन होगा। अरे हाँ, यही हो गया, वादे हो गए ना, दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, आगे की उनका देखने तो क्या करना उनको। ठीक है, ये हो गया प्रॉमिस। अब मुद्दे की बात, मैं तुमको वादे क्यों समझा रहा हूँ, मैं तुमको प्रॉमिस क्यों समझा रहा हूँ? सर हर प्रॉमिस को पूरा करने के लिए बैठे क्या कॉन्ट्रैक्ट कि वादा किए पूरा कर दिए? अभी मैं तुम लोग को इतने दिन से बोल रहा हूँ पिकनिक लेके जाऊंगा, बराबर है क्या? इनकेस नहीं लेके गया तो इनकेस, इनकेस आइए ना मैडम प्लीज, बस इधर थोड़ा छेड़छाड़ बिना एकदम स्पोर्ट्स पर्सन के जैसे निकल। हाँ, तो सारे वादे पूरे होंगे क्या कि भाई अर्जुन सर ने बोला था लेके जाएंगे, अपनी लेके जाओ, बोले चलो इनके लिए एफआईआर करो, कोर्ट में घसीट के लेके जाओ, ये भी तो वादा था। अरे हाँ कि ना। ठीक है, तो बोले हर तुच्छे वादे पूरे करने बैठा है क्या कोर्ट? नहीं, तो हर वादों को पूरा नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर अभी तो आपने बोला वादा पूरा करता, तो मैं अभी भी मना नहीं कर रहा हूँ कि वादों को पूरा नहीं करता, सिर्फ लीगल वादों को पूरा करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लीगल वादा बनने से लीगल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी कि क्या, ड्यूटी। कुछ आपको वादा है, आपको पूरा करना है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको पिकनिक लेके जा रहा हूँ, ये मेरी ऑब्लिगेशन है आपको लेके चलना, और आपकी ऑब्लिगेशन है कि निर्धारित समय में आना, बस पे बोर्ड कर और साथ में चलना, बराबर। और ऑब्लिगेशन है कि भाई वो जो भी चार्ज वो देने, बराबर है क्या? अरे हाँ, तो यहाँ पे मुद्दा आता है सर कौन से वादों को पूरा करने के लिए बना है वो। आपने अपने नेबर को बोल दिया, बोले भाई खाना खा लेगा तो मेरे को कॉल कर, वॉक करते थोड़ी देर, डिनर में अपन जनरली नेबर के साथ वॉक करते हैं ना अपने कॉलोनी में, वो भाई खाने के बाद सुस्ता के सो गया, सुबह उठा के बोले चल तेरे को घसीट के लेके चलो कोर्ट में। तो भाई इतनी छोटी छोटी बातों को पूरा करवाने के लिए अगर बैठ गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो भाई कोर्ट तो वैसे ही बेचारे इतने लोग सनी दल बैठे वहां पे कोर्ट में तारीख पे तारीख यहाँ पे, और सबसे ज्यादा तो बीवियां उठ के चले जाएगी कोर्ट में, देखो जी इनने ऐसा बोला था जी डायमंड। तो हर वादों को पूरा करने बैठा नहीं है, सिर्फ उन्हीं वादों को पूरा करेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उन्हीं ऑब्लिगेशंस को पूरा करेगा जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन। बराबर है क्या? अब लीगल ऑब्लिगेशन सर हमको कैसे पता चलेगा कि कोई सा ऑब्लिगेशन लीगल है या कोई ऐसे ही है सोशल नेचर का? जैसे मैं आपको पिकनिक ले जाने बोल रहा हूँ, ये सोशल ऑब्लिगेशन है, फ्रेंडली ऑब्लिगेशन है। अरे हाँ कि ना। लीगल वादों के लिए आपको पार्टीज के इंटेंशन देखने, आपको इरादा देखना है उसका। बराबर है क्या? अब इरादे के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको इरादा देख रहा है, आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से जज करना है कि क्या वो वादा लीगल है। अगर लीगल है तो वो पूरा करेगा कॉन्ट्रैक्ट, अगर लीगल नहीं है तो उसको पूरा करने वाला नहीं है। बराबर है क्या? तो अगर मैं तुमको एक बात बताता हूं, अभी तो ये एग्जांपल हो गए फ्रेंडली वाले। अब जैसे अली असगर है,
अली असगर के एमजी रोड में 1 करोड़ रुपए का घर है, अब मैं 1 करोड़ रुपए का घर ले रहा हूँ अली असगर से, बराबर हमारी डील हो गई। बराबर कैसे डील हुई, मैंने अली असगर को ऑफर किया कि तुम अपने घर बेचोगे, उसने एक्सेप्ट कर लिया, खरीदूंगा, हो गया प्रॉमिस, अरे वादे बन गए। अब मैं व्यवस्था में लग गया अपने 1 करोड़ रुपए लाने के लिए, अरे लग गया, लेके आया, और अब मेरे को बोल रहा है मैं घर नहीं दे पाऊंगा, क्यों, कोई महंगी डील दे दिया होगा 1.5 करोड़ के आसपास इसको, लेकिन पहले तो मेरे से वादा हुआ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में तुमको नहीं लगता क्या ये लीगल है, क्योंकि भाई 1 करोड़ रुपए का अमाउंट ऐसे हवा में तो नहीं आ जाता, अरेंज करने में महीनों निकल जाते हैं, बराबर है। तो अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखें तो ये जो वादा था घर लेन देन का, इसका ऑब्लिगेशन क्या था, मेरे को घर देना, और मेरा ऑब्लिगेशन क्या था, इसको पैसे देना, दोनों के ऑब्लिगेशन है। कभी भी प्रॉमिस होगा तो दोनों तरफ क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, मेरा राइट क्या है, मेरे को घर मिलना चाहिए, और मेरा ऑब्लिगेशन क्या है, मेरे को पैसे देने, इसका राइट क्या है, इसको पैसे मिलेंगे, और इसका ऑब्लिगेशन क्या है कि इसको घर डिलीवर करना है, बराबर है क्या। अब इस सिचुएशन में बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, इस सिचुएशन में भगवान के रूप में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, बराबर है, और वो जो वादा है उसको इन्फोर्स करेगा, इन्फोर्स यानी कि पूरा करवाएगा, फोर्स करेगा, सामने वाला पार्टी जो पूरा नहीं कर रहा है ना उसको फोर्स करेगा, जिसको लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं इन्फोर्स करेगा कि तू अपना वादा पूरा कर, और यही अल्टीमेट पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, बराबर है क्या, समझ में आई बात। तो हर वादे पूरे होने वाले नहीं है, मैं पिकनिक नहीं लेके गया, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, मैं लेके जाऊंगा मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो सिर्फ लीगल वादे पूरे होंगे, क्रक्स में बोलू सोशल नेचर के वादे, डोमेस्टिक नेचर के वादे नहीं होंगे। डोमेस्टिक नेचर क्या, घरेलू, अभी तुषल के पप्पा बोले कि भाई सब अपनी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ के अगर तू पढ़ाई में ध्यान दिया, अगर तू पढ़ाई में ध्यान दिया, और पढ़ाई में ध्यान देने के बाद भाई तू अगर फाउंडेशन लेवल क्लियर कर लेता है तो तू तेरी मन पसंद की बाइक दिलाऊंगा, फिर तू जिसको भी बैठा के घुमाते रहना, लेकिन जब तक पढ़ाई है तब तक सब छोड़ के पढ़ना पड़ेगा, बराबर है। इसमें सब छोड़ा भी और पढ़ा भी और फाउंडेशन निकला भी, अब इसके पापा गाड़ी नहीं दिला रहे तो अपने पापा को कहता सिक्के खोल ले जाए, क्यों भाई, डोमेस्टिक अरेंजमेंट है घर का आपस का, और कोर्ट भी इतना फोकट नहीं बैठा हुआ है कि सड़ी सड़ी बातों को अपन वो अपन इन्फोर्स करते बैठे, बराबर। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है वादों को पूरा करने के लिए, लेकिन वो ऑब्लिगेशन, वो वादे कैसे होने चाहिए, लीगल, और वो लीगल है कि सोशल है कि फ्रेंडली है कि डोमेस्टिक है, उसको समझने के लिए अपन क्या देखेंगे, इंटेंशन, और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जज करके मैं जाऊंगा और डिटेल में, है उसके लिए केस लॉज अच्छे अच्छे, बट ये समझ में आया पर्पस कैसा और पूरा क्या करने वाला है। अब अपन जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बता कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्संस, हाँ उधर देख के नहीं बोलना है, बस मुझे बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, अपन अभी तक यही समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने की एग्रीमेंट। मैं आपको बता दूं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या डिफरेंस है अभी खत्म कर लेंगे। सबसे पहले आप समझ लो प्रॉमिस मतलब क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मतलब एक जन वादा मतलब एक ऑफर करेगा, सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, ये बन जाएगा प्रॉमिस। एग्रीमेंट और प्रॉमिस में कोई डिफरेंस नहीं है, एक चीज है बस, वो ऐड हो जाती तो वो प्रॉमिस एग्रीमेंट बन जाता है, एक चीज निकाल दो तो एग्रीमेंट प्रॉमिस हो जाएगा, क्या, कंसीडरेशन समथिंग इन रिटर्न। एग्जांपल, आप और मैं जो बैठे हुए हैं ना, ये भी एक एग्रीमेंट है, कैसे पता है, क्या फ्री में बैठे आप, पैसे दिए, यानी कि आपके बीच में और अग्रवाल क्लासेस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। कैसे, आप आए थे, मतलब हमने पहले कोर्स ऑफर किया कि भाई हमारे यहाँ सीए सीएस सीएमए सब होता है, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, हम करना चाहते हैं, कैसे एक्सेप्ट किया, फी पे किया, एक्सेप्ट किया, ये क्या बन गया, एग्रीमेंट, बराबर है। तो एग्रीमेंट आप फ्री में किए, क्या आपने पैसा दिया ना, तो प्रॉमिस और एग्रीमेंट में दोनों में फर्क एक चीज का, किसका, कंसिडरेशन का, यानी कि अगर सिंपल सा ऑफर है और सिंपल सा एक्सेप्टेंस है, इसको बोलते हैं प्रॉमिस। कैसे, भाई सुबेरे अपन क्रिकेट खेलने चलेंगे क्या, पक्का बोल जाएगा ना, यहां जाऊंगा, ये तो प्रॉमिस है, एक जन ने ऑफर किया कि चलेंगे, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, दिस इज प्रॉमिस। लेकिन प्रॉमिस में जहां कंसिडरेशन वाला एलिमेंट एड हो जाता है ना, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट, बराबर है क्या। जैसे कि नीचे आप सब लोग उतरे, आज मान लो किसी के पास गाड़ी नहीं है, बराबर है, तो अली असगर बोल रहा है भाई तू मेरे को फलानी जगह छोड़ देगा, उसका दोस्त बोला चल छोड़ देता हूँ, ये क्या हो गया, दोस्ताना, भाई घर तक ड्रॉप कर दे, बोलेगा पेट्रोल के पैसे दे, नहीं, दिस इज मियर
प्रॉमिस, बराबर है। अब आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, सबने पैसे देके रखे हुए। मेरा नेबर है, वो भी फाउंडेशन कर रहा है और उसको पता है मैं अग्रवाल क्लास में पढ़ाता हूँ। बोले सर मेरे ना बिल्कुल तैयारी नहीं हुआ, आप क्या मेरे को पढ़ा देंगे क्या सर? एक एक घंटा रोज का दे दो अपनी क्लास के बाद, मैं कर लूंगा। मेरा डन, एक्सेप्ट, तेरा ऑफर एक्सेप्ट, मैं कर दूंगा, बराबर है। क्या वो मेरे को पैसे दे रहे? वो सिर्फ प्रॉमिस है, वो सिर्फ वादे है, बराबर है क्या? लेकिन जो आप लोग के साथ है, जहां पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, कंसीडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न, आप लोग फी पे कर रहे हो। मैं आता हूँ कंसीडरेशन भी क्या होता है। तो जहां कंसीडरेशन का एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाता है वो एग्रीमेंट है। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। यहां से नीचे उतरे, ऑटो वाले को पकड़े, बोले मेरे को कोथरूड एरिया में छोड़ दे, वो बोले 50 रुपए लगेगा, बोले डन, ये एग्रीमेंट है। समझ में आई क्या बात? आप लोग और हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बोले वसोटा फोर्ट जाएंगे ट्रैक करने, एक आदमी का 700 रुपए। द मोमेंट आपने 700 रुपए मेरे को दिए, मुझे यानी कि अग्रवाल क्लासेस को, आपके और अग्रवाल क्लासेस के बीच में एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि कंसीडरेशन इन्वॉल्व, बराबर है क्या? कंसीडरेशन हटा दो, सिर्फ क्या है? मियर प्रॉमिस। किसी को यहां तक कोई बात, कोई शक नहीं? तो अब क्या हो रहा है, अब मैं आता हूं कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन हुआ सेक्शन 2H में। किसमें डिफाइन हुआ? सेक्शन 2H। अब बोला है कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीज चाहिए, बोले एक एग्रीमेंट चाहिए। तो अगर मैं कंटिन्यूसली पढ़ू, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि दो चीज चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक तो क्या चाहिए? एग्रीमेंट। दूसरा क्या चाहिए? इनफोर्सिबल बाय लॉ। एक एक करके जाऊंगा मैं। तो अब एग्रीमेंट के लिए अपने को क्या चाहिए? प्रॉमिस। तो यहां पे मैंने प्रॉमिस लिखा है सेक्शन 2B में। क्या? एक पर्सन ऑफर करेगा, दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा, प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, वो बन जाएगा क्या? प्रॉमिस। अब एग्रीमेंट सिंपल है, एग्रीमेंट में अपने को बस क्या ऐड करना है? कंसीडरेशन। अच्छा, एग्रीमेंट के डेफिनेशन को, सेक्शन को याद करने के लिए इजी है। एग्रीमेंट तो 2E, एग्री, ठीक है। अब क्या बोला? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। देखो यहाँ पे कंसीडरेशन ऐड हो गया, ऊपर पे नहीं था, लेकिन बोला तो प्रॉमिस है। बोले हर वो प्रॉमिस जिसमें दो पार्टी जो आपस में वादे कर रहे ना, दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा। अली असगर का एग्जांपल लूं, जिसका मैं 1 करोड़ का घर ले रहा था, मैं उसको 1 करोड़ दे रहा था, तो उसको क्या मिल रहा था? 1 करोड़। मुझे क्या मिल रहा था? घर, समथिंग इन रिटर्न। तो जो कंसीडरेशन, जो समथिंग इन रिटर्न है ना, वो कैसे होगा? या तो मनी, या तो मनी इज वर्थ। मनी इज वर्थ मतलब या तो पैसे मिल रहे, उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? मनी इज वर्थ मिल रहा है, जो मैं पैसे पे कर रहा हूँ। तोल सकता हूँ उस घर को मैं पैसे से, मेरे को क्या मिल रहा है? 1 करोड़ का घर। तो या तो पैसे मिले, या तो पैसे से तोलने वाली कोई चीज मिले, जैसे कि घर। तो दैट मनी कैन बी मनी और मनी इज वर्थ, एंड दैट कंसीडरेशन कैन बी इन काइंड। अब काइंड मतलब क्या पता है क्या? अली असगर आज पैसे नहीं है यार, तू दे दे, तू भरोसा रखते है को 1 हफ्ते के अंदर 1 करोड़ मिल जाएंगे, ये मैंने इसको प्रॉमिस दिया ना, ये काइंड और ये भी कंसीडरेशन। कुछ तो आना चाहिए रिटर्न में, समथिंग इन रिटर्न। तो कुछ के बदले ये घर दे रहे हैं, मैं उसको बदले में क्या दे रहा हूँ? प्रॉमिस, बराबर है क्या? तो या तो मनी होगा, या तो मनी इज वर्थ, और इट कैन बी इन काइंड, प्रॉमिस भी हो सकता है। अच्छा मैं बता दूं, कंसीडरेशन के ऊपर आगे पूरा टॉपिक है, तो टेंशन नहीं लेने का। कंसीडरेशन एक इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर टॉपिक है, आराम से समझेगा। तो अगर आप इस पूरे डेफिनेशन को मैं आपको एग्जांपल में समझाऊं, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। अभी क्या मैं ले रहा था? घर। अरे ले रहा था क्या? मतलब घर जब ले रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूँ अली असगर तेरे घर पे ना पानी की व्यवस्था नहीं, मेरे को तो अच्छे से बोरिंग करवा के दे। अली असगर तेरे घर पे पेंट नहीं आता, तू तो पेंट करवा के दे 1 करोड़ के अंदर। अरे यार अली असगर तेरे घर पे फर्नीचर नहीं, कुछ मिनिमम फर्नीचर तो लगवा के दे। तो प्रॉमिस एक था कौन सा? घर लेन देन का, उसके साथ और क्या क्या जुड़ गया? फर्नीचर, पानी लगवाना, पेंट करवाना, दैट विल बी कम अंडर सेट ऑफ प्रॉमिसेस। मुद्दे की बात है, प्रॉमिस चाहे एक हो चाहे प्रॉमिस अनेक हो, कंसीडरेशन आना चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा? एग्रीमेंट, बराबर है क्या? तो इस पे और इस पे एक ही चीज का फर्क है, कंसीडरेशन का। कंसीडरेशन ऐड हो गया, वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। कंसीडरेशन नहीं, इट विल बी मियर प्रॉमिस, पक्का। यहां तक समझा? तो भैया कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने को एक क्या चीज चाहिए? एग्रीमेंट, ये हो गया। अब दूसरी बात क्या थी? इनफोर्सिबिलिटी। अब इनफोर्सिबिलिटी के लिए अपने को दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? दो चीज। पहले तो बोले सेक्शन 10 की ना सारी कंडीशन होनी चाहिए। किस पे? बोले जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो ना, उसमें सेक्शन 10 की पूरी कंडीशन होनी चाहिए। जब सेक्शन 10 की एक कंडीशन है कि वो साउंड होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, वो सेक्शन 10 में लिखा है, जो अब तक आप पढ़ते थे बाकी जगह, बराबर है क्या? तो इनफोर्सिबिलिटी यानी कि वादों को पूरा करने के लिए, वादों को जोर लगवाने के लिए क्या चाहिए? पहला तो सेक्शन 10 की,
सेक्शन 10 के कंडीशंस और दूसरा क्या चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन. तो पहले लीगल ऑब्लिगेशन समझ लेते जो अपन ऑलरेडी डिस्कस किए, फिर सेक्शन 10 की कंडीशन में जाएंगे. अब लीगल ऑब्लिगेशन में एक बहुत बेहतरीन केस लॉ है. केस लॉ का नाम क्या है? बेलफोर वर्सेस बेलफोर. अब बेलफोर वर्सेस बेलफोर में क्या हुआ था मैं बताता हूँ. हस्बैंड और वाइफ थे, हस्बैंड और वाइफ सिलोन में रहते थे. अभी सिलोन क्या, श्रीलंका के पास एक जगह है, ठीक है. सिलोन से वो कहाँ गए? इंग्लैंड. बिल आया? हाँ, थैंक यू, लेके चलूंगा मैं, ठीक है. हाँ, अब इंग्लैंड में वहां पे वाइफ की तबीयत खराब हो गई एंड परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए वाइफ को एडमिट कराना पड़ा. कहाँ पे? इंग्लैंड में. अब क्योंकि इंग्लैंड में वाइफ को एडमिट किया, भाई आना जाना, और उसमें उसकी तबीयत ऐसी भी नहीं थी कि वापस सिलोन ले जा सके, तो वहीं पे उसको कंटिन्यूसली एडमिट किया गया. और हस्बैंड बोला मैं जाता हूँ सिलोन. भाई इतने पैसे थोड़ी लेके आए थे कि पता थोड़ी था एडमिट, और इंग्लैंड जैसे शहर कंट्री में तो एडमिट हुई है, बराबर है क्या? हम बेचारे श्रीलंका के पास से, गरीब देश, वो कहाँ इंग्लैंड, एकदम डेवलप्ड कंट्री, हम डेवलपिंग कंट्री से. तो बोले मैं वापस जाता हूँ, और वापस जाके वापस नहीं आऊंगा, बहुत खर्चे हो जाएंगे, मैं तेरे को सिलोन से ही 30 pounds भेजते रहूंगा हर महीने की एज अ मेंटेनेंस, जब तक तू ठीक नहीं हो जाती फिर वापस आना. और वहां जाने के बाद भाई ले जाएंगे वाइफ को छोड़ के आ गया, बराबर है क्या? गलत किया. वाइफ क्यों करेगी, गुस्सा आएगा उसको. अच्छा, जब इनके बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, जब वो सिलोन में थे, जब वो इंग्लैंड में थे, हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में क्या हुआ? डोमेस्टिक अरेंजमेंट, आपसी प्रेम प्यार में, कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम टेंशन मत लो, भेजते रहूंगा ऑब्वियसली. अब ये बात से, क्योंकि वो भेजा नहीं, अब ये बात से वाइफ चले गई कोर्ट में. अब मुद्दे की बात ये है, जो कोर्ट में गई है ये केस लेके, क्या ये सूट मेंटेनेबल होगा, यानी कि क्या इस पे कार्रवाई होगी, क्या इसमें कुछ होगा? अब इसके लिए अपने को जज साहब बोले बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? बोले हाँ है ना. तो बोले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए दो चीज चाहिए. तो उसके वाइफ ने बोला क्या क्या? बोले एग्रीमेंट. तो बोले किए ना, और 30 pounds भी इन्वॉल्व है, समथिंग इन रिटर्न. अरे हाँ. अब बोले कि लीगल ऑब्लिगेशन था क्या? बोले लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है जज साहब? बोले बेटा लीगल ऑब्लिगेशन मतलब ये होता है कि जब आप लोग एग्रीमेंट कर रहे थे तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ इरादे चल रहे थे क्या कि कल को अगर ये पैसे नहीं देता इसको तो घसीट के कोर्ट के लेके जाऊंगी? बोले हाय दैया कैसी बात कर रहे वो तो मेरे हस्बैंड थे, आपसी प्रेम प्यार में सारी चीज की हमने, ऐसा थोड़ी सोचते अपने, पति परमेश्वर का रूप होता. तो बोले अगर आपसी था, आपसी प्रेम प्यार में था, तो आपस में सुलझा लो. समझ में ही क्या बात? क्योंकि इट वॉज अ मियर एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने को क्या चाहिए? लीगल ऑब्लिगेशन, बराबर है क्या? लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. मतलब लीगल ऑब्लिगेशन नहीं तो इट विल बी कंसीडर्ड एज मियर एग्रीमेंट. तो ऐसे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखना है. तो ये एक लैंडमार्क केस था जिसमें बताया था कि लीगल ऑब्लिगेशन क्या है. अब बात आती है कि सेक्शन 10 की भी सारी कंडीशन होनी चाहिए. हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, सेक्शन 10 की सारी कंडीशन में लीगल ऑब्लिगेशन भी, बट मैंने इसको अलग से क्यों बताया पता है क्या? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं. यानी कि सेक्शन 10 की सब कंडीशन पूरी हो जाए और लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, वो एग्रीमेंट ही रहेगा, बराबर. तो सेक्शन 10 के अंदर ही लीगल ऑब्लिगेशन आता है, अब भी दिख जाएगा. लेकिन मैंने उसको अलग से क्यों बताया आपको समझाया क्या? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. लीगल ऑब्लिगेशन समझा, ठीक है. अब और क्या चाहिए इन्फोर्सिबिलिटी के लिए? अब अपने को इन्फोर्सिबिलिटी के लिए सारी कंडीशन चाहिए. किसकी? सेक्शन 10. सेक्शन 10 ऑफ व्हाट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है. तो अब ये वाला लीगल ऑब्लिगेशन हो गया. सबसे पहली कंडीशन क्या है? टू पार्टीज. अकेले कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या? अपने आप से वादा करोगे क्या? नहीं. एंड दैट टू पार्टीज अलग अलग होनी चाहिए. तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कोई केस लॉ लिखा है, गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एन कंपनी. इसमें क्या हुआ था, एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही थी, ठीक है. डिसॉल्व हो रही थी तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बटेगी आपस में, तो सारे पार्टनर आपस में उसको बांट लिए. मतलब अगर एक जमीन है, एक लैंड है 1 crore की, भाई आधा हिस्सा तू रख ले, आधा हिस्सा तू रख ले. सेल्स टैक्स ऑफिसर आ गया, बोले ये सेल हुई है, सेल्स टैक्स दो. ए बोले भैया हम ज्वाइंट ओनर थे पहले, उसी कोई सेल नहीं किए, हम ही ओनर थे, हमने आधा आधा बांट लिया. तो वो अलग अलग होने चाहिए. हाँ, वो पार्टनर्स किसी और को बेचते ना तो वो सेल होता, तब टैक्स लगता. यानी कि वो दो क्या चाहिए? अलग अलग पार्टी. यानी कि जॉइंट ओनर आपस में जमीन बेच रहे हैं तो वो अलग अलग नहीं है, दे आर वन. बस वो अपनी जमीन क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट.
ठीक है, तो बोले एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनरशिप इज नॉट अ सेल। मुद्दे की बात थी सेल का मतलब वो दो अलग नहीं है, वो एक है, हमको दो अलग पार्टी चाहिए। जो हम टू पार्टीज बोल रहे हैं ना, एक कोई बायर होना चाहिए, एक कोई सेलर होना चाहिए, तो जॉइंट ओनर थे, कोई सेलर बायर थे क्या? नहीं। बढ़ू आगे, अब क्या बोला? इंटेंशन टू क्रिएट, मैंने बोला था आएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट इनफोर्सेबल, बराबर है। यानी कि अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, वो सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या उसको कोर्ट इन्फोर्स करेगा क्या? कोर्ट उन्हीं ऑब्लिगेशन को पूरा करेगा जो क्या है, लीगल। यानी कि अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं तो वो क्या है, सिर्फ मियर एग्रीमेंट, पक्का। बढ़ू आगे, अब अदर फॉर्मेलिटीज बोला है इन सर्टन केसेस। अब देखो अदर फॉर्मेलिटीज क्या, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, कैन बी रिटन, ओरल भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पे आप ओरल कुछ कर ही नहीं सकते। इंश्योरेंस, बराबर है क्या? अब एक इंसान अपनी लाइफ इंश्योरेंस लिया है, बराबर है क्या? ओरल ले लिया, हो गया कॉन्ट्रैक्ट, अब बेचारा खप गया। अब खपने के बाद इंश्योरेंस वाला भी आ रहा, बोले बहुत अच्छा आदमी था, बोले क्या सबूत है कि उस इंश्योरेंस कंपनी से अपन ने इंश्योरेंस लिया है। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड। यदि पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवाते थे जैसे कंपलसरी है, तो पार्टनरशिप डीड अगर रजिस्टर करनी है तो रिटर्न ही होगी। तो कुछ ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आपको रिटर्न भी करना है, रजिस्टर्ड भी करना है, और क्या करना है, स्टाम्प भी करना है। तो एक तो एग्जाम्पल हो गया किसका, इंश्योरेंस का। दूसरा एग्जाम्पल किसका पता है क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। क्या सबूत है वो प्रॉपर्टी आपकी है? अरे बराबर है, अरे गाड़ी के पास कोई अगर मतलब कोई गुड्स है, ये मोबाइल है, ये मेरे पास पोजीशन है, तो भाई ये खो जाता है कि भाई ये रखा है तो इसका होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या सबूत है आपका, कहाँ कहाँ अपना नाम लिखते बैठोगे इस प्रॉपर्टी में, बराबर है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसका आपके पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट होता है तो क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, लैंड रिकॉर्ड्स में हर प्रॉपर्टी का नाम लिखा होता है कि ये जमीन फलाने एरिया में इसके नाम से, बराबर है क्या, अली असगर, समझ में आ रहा है। तो कुछ सर्टन केसेस है जिसके दो एग्जांपल है, इंश्योरेंस और क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि रिटर्न होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए और स्टाम्प भी होनी चाहिए, बराबर है क्या। बढ़ो, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी, आपका जो एग्रीमेंट हो रहा है ना उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, बराबर है क्या। जैसे कि क्या, आप लोग आए बोले सर सीए फाउंडेशन पढ़ा देंगे क्या, पढ़ा देंगे। सीए फाउंडेशन में क्या पढ़ना है, लॉ पढ़ना, अकाउंट्स पढ़ना, मैथ्स पढ़ना, अरे हाँ बराबर। या मैं बहुत बड़ा ऑयल का वो हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, बराबर है क्या। अब वीना का मेरे पास फोन आ रहा है, बोले हाँ 100 क्विंटल ऑयल भेज दो। अबे कौन सा ऑयल, कोकोनट ऑयल भी होता है, बादाम ऑयल भी होता है, क्रूड ऑयल भी होता है, बराबर। तो अगर क्लैरिटी नहीं है उसमें भैया, वो एग्रीमेंट बन के रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके एग्रीमेंट में क्लैरिटी नहीं है। अरे हाँ की ना, सर्टेनिटी मतलब क्लियर होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए। और एग्जांपल, अली असगर बोल रहा है सर आप मेरा घर खरीदो, खरीदूंगा कितने में, डिसाइड होना चाहिए अमाउंट, कुछ सर्टेनिटी नहीं, हवा में खरीद रहे हो घर, बोले हाँ हाँ घर खरीदना, बोले हाँ खरीद ले, ले ली, कोई अमाउंट किधर है। तो सर्टेनिटी होनी चाहिए पहली चीज, ठीक है, पहली मतलब चौथी चीज हो गई। उसके बाद पांचवा क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो पॉसिबल होना चाहिए, बराबर है। घर लेन देन पॉसिबल है, अरे हाँ कि ना। अब मैं यहां से बोल रहा हूं, तू बोले यहां से मेरे को बाइक में ले लद्दाख जाके दिखा, बराबर है क्या, पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। तो अली असगर और मेरे बीच में अगर ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है, मतलब अली असगर तू ना माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके दिखा, मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए देता हूं, कर सकते, पॉसिबल है, हाँ कर सकते, अली असगर कर लेगा उमा। तो मुद्दे की बात ये है, यहाँ पे पॉसिबली बोला है, पॉसिबल मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट की बात नहीं कर रहे, माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल। तो बोले वो जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो ना वो पॉसिबल होना चाहिए बस, हाँ माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना पॉसिबल है, ले लगता क्या बाइक से जाना पॉसिबल है, बराबर है क्या। यहां से तुम बोलो कूद के दिखा दे 3rd फ्लोर में, बराबर है क्या, और तेरे को दे देता हूं 1 करोड़ कूद के दिखा, पॉसिबल है, बराबर। आगे सुन लो, तो आगे कंप्लीट तो कर लो, तो सर्टन कूद के दिखा और जिंदा बचेगा तो 1 करोड़ दूंगा, क्या पॉसिबल है, अनसर्टन है,
बराबर है क्या? तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, सीधा पॉसिबल बोल रहे हैं, यानी कि जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो ना वो क्या होना चाहिए? पॉसिबल होना चाहिए, बराबर है क्या? यानी कि एग्रीमेंट फॉर इम्पॉसिबल एक्ट इज नॉट इनफोर्सेबल, बराबर है क्या? अरे हाँ कि ना? अब इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या, मतलब भाई मैं तो चल एक बाबा के पास लेके जाता हूँ, दुशल को बोला और मतलब उसको 1,00,000 रुपए देना और चद्दर में डालेगा छड़ी घुमाएगा 10,00,000 हो जाते, क्या पॉसिबल है? वो इम्पॉसिबल है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है। अभी कोर्ट में जाके बोलेगा सर वो 1,00,000 में 4 बार छड़ी घुमाया, 4 रुपए एक्स्ट्रा नहीं है, केस भाई तू जा, बराबर है क्या? बढ़ू आगे, ठीक है। उसके बाद एग्रीमेंट होना चाहिए, अरे बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? ये तो बेसिक सी कंडीशन है। सातवा क्या बोला है? कंसेंट, उसको लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं कंसेंसस एट इडम, और कंसेंसस एट इडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, दिमाग मिलने चाहिए, गुड़ नहीं मिलने चाहिए, क्या मिलने चाहिए? दिमाग। जैसे एग्जांपल, मेरे पास दो बाइक है, कितनी बाइक है? दो, एक है केटीएम आरसी 200। अच्छा तुमको आरसी और ड्यूक में फर्क पता है कि नहीं? गर्ल्स को बता देता हूँ, रुको। हाँ, आरसी ऐसे वाली चलानी होती है स्पोर्ट्स मोड, और एक ड्यूक होती है जो अपने दीपेंदर के पास है, ऐसे नॉर्मल बाइक जो रहती है, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास एक आरसी है 200 सीसी और एक मेरे पास बुलेट है क्लासिक, बराबर है क्या? तुशल को मैं ऑफर कर रहा हूँ, भाई तू क्या मेरी गाड़ी खरीदेगा क्या? मेरे पास दो गाड़ी, लेकिन मैं जिस गाड़ी को बेचने का इरादा रखा था वो था बुलेट, क्योंकि आरसी मुझे पसंद है तो मैं बुलेट बेचने वाला था। लेकिन तुशल सोच रहा है कि अर्जुन सर क्या बेच रहे, केटीएम आरसी है, क्या हमारे माइंड मीट हो रहे हैं? यानी कि हम कंसेंट तो दे रहे बाय मिस्टेक, लेकिन हमारा मीटिंग ऑफ माइंड हो नहीं रहा। तो मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, बराबर, क्यों? जब अल्टीमेटली वो पैसा लेके आ जाएगा और जब मैं उसको बुलेट की चाबी दूंगा बोले अरे तो हम तो केटीएम लेने आए थे, यानी कि वो वही एग्रीमेंट था, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि हमारे कंसेंट नहीं थी, हमारी मीटिंग ऑफ माइंड नहीं थी, मैं कुछ और सोच रहा था, ये कुछ और सोच रहा था, पक्का। बढ़ू आगे। फिर क्या बोल रहा है? फ्री कंसेंट, क्या बोल रहा है? फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट तो आपको पता चल गई, कंसेंट यानी कि क्या? मीटिंग ऑफ माइंड। अब फ्री कंसेंट मतलब मुफ्त का माइंड नहीं है, मुफ्त की कंसेंट नहीं है, फ्री मतलब अपनी इच्छा से कंसेंट देना, बराबर। तो मैं आपको एक बात बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी फ्री कंसेंट को डिफाइन नहीं किया गया, बराबर है क्या? उनने क्या किया है, बोले कंसेंट आपकी फ्री रहेगी अगर ये 5 चीजें इन्वॉल्व नहीं है तो, बराबर है क्या? बोले ये 5 में से 1 भी चीज है यानी कि कंसेंट फ्री नहीं है, 5 में से 1 भी चीज नहीं, कंसेंट फ्री है, फ्री मतलब इच्छा से, बराबर है क्या? तो एक एक को मैं एग्जाम्पल लेके जाता हूँ, समझाता हूँ आपको। सबसे पहला क्या बोला है? कोअर्जन, जोर जबरदस्ती करना, कोअर्जन का मतलब होता है फिजिकल फोर्स यूज करना। तो एग्जाम्पल, इसके लिए मैं एग्जाम्पल हमेशा बहुत बेहतरीन देता हूँ, तो जो खासकर जो लड़के हैं उनके लिए एग्जाम्पल अच्छे लिए है, तरीका है तुम्हारे लिए। जैसे कि मान लो तुम लोग को कोई लड़की पसंद आती है, बराबर है क्या? अरे आती है क्या? मेरे को लड़की पसंद आती है, तो लड़कों की बात कर रहा हूँ, तुम लोग मान लो तुमको कोई लड़की पसंद आती है, ठीक है। अभी आप, आपके पास दो रास्ते प्रपोज करने के लिए, जिसमें 100% गारंटी की मना नहीं होगा, ठीक है। तुम लोग का एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो जैसे कि आप दो तरीके, या तो आप हेलीकॉप्टर बुक करो और लेके जाओ हवा में, और या तो क्रूज बुक करो और लेके जाओ पानी में, बराबर। जब हवा एक मतलब जब वो एक अच्छे ऊंचाई में पहुंच जाए क्रूज, और आपकी अच्छी गहराई में पहुंच जाए, वहां पे आप उसको बोलो विल यू मैरी मी, और साथ में बोलो कि तू मना करके तो दिखा सामने में तो फिर तुम बोलो मना करके तो दिखा, तो फिर परिणाम खुद समझ जाएगी ना, करेगी क्या मना? उसने कंसेंट तो दी लेकिन फ्रीली, किस पे दिया? कोअर्जन, फिजिकल थ्रेट में, कि भैया ये तो दुबई मारेगा या खुदाई मारेगा, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया कोअर्जन, डरा के, ठीक है। दूसरा क्या बोला? अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब इसमें भी कंसेंट है लेकिन फ्री नहीं है। अब अगर बात करते अनड्यू इन्फ्लुएंस की, अनड्यू इन्फ्लुएंस में फिजिकल थ्रेट नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस में है इमोशनल अत्याचार, मेंटल प्रेशर, ठीक है। अभी इमोशनल अत्याचार कैसे हो गए ये समझ के लेना,
कि जैसे कि तुषार को एक लड़की पसंद था, ठीक है, तुम लोग कैरेक्टर अज्यूम कर सकते हो। तो तुषार को अगर एक लड़की पसंद आ गई, तुषार हनी सिंह के स्टाइल में हाथ मांगने जाता है, बोले है घर है पैसा है गाड़ी, अब दो जोड़ों में लड़की दे तो लड़की दे। तो लड़की का बाप बोलता चलने का क्यों, उसका कारण है पीछे, बोले घर पैसा गाड़ी अपने पास भी है और दो जोड़ों हमारे पास भी है, समझ गए, दो क्या 200 जोड़े हैं। मुद्दे की बात यह है, मेरी लड़की है इकलौती और मेरी और कोई संतान नहीं, मेरा और कोई वारिस नहीं, तेरे को अगर लड़की का हाथ चाहिए तेरे को घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। घर जमाई मतलब लड़की तेरे घर नहीं जाएगी, तू इधर आएगा, ठीक है, प्रूफ कर अपने प्यार को, बराबर है क्या, बराबर। तो बाप ने कुछ भी बोला क्या, कि बंदूक की नोक में रखा, किसको डराया कि मैं अपनी लड़की का मर्डर कर दूंगा या ये कर दूंगा, कुछ बोला नहीं, उसने बस इसको मजबूरी में फंसाया, धर्म संकट में फंसाया। अब ये मजबूर है कि प्यार संभाल ले कि घर जमाई बन जाए, बराबर है ना, लड़की चाहिए तो घर जमाई, यानी कि क्या हो रहा है, जो एक सिचुएशन में फंसा उसका ये फायदा उठा, इसको बोलते अनड्यू इन्फ्लुएंस। और फिर पापा बोल रहे हैं इसको, बोले एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बराबर। तो कंसेंट तो देगा क्योंकि प्यार करता है लड़की से, लेकिन क्या वो कंसेंट फ्री है, नहीं है, कैसे है, इमोशनल अत्याचार में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, बराबर है क्या, फ्रॉड। अनड्यू समझते हो ना, जबरदस्ती का किसी को फोर्स करना, अनड्यू इमोशनल अत्याचार। अभी फ्रॉड, फ्रॉड सिंपल मतलब धोखा, एक गाना भी आता गैरों से क्या शिकवा करना, अपने धोखा देते हैं अक्सर ये जाने पहचाने चेहरे धोखा देते हैं, सुनना अच्छा गाना है। अच्छा अजय देवगन का डायलॉग भी ऐसे ही कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों के साथ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, तो वो जो बात करता है वो फ्रॉड की बात, ठीक है। फ्रॉड सिंपली मीन्स आपका इरादा सामने वाले को बुद्धू बनाने का, ठगने का है, बराबर है क्या। अरे हाँ, अभी अगर मैं अपनी कार बेचता हूँ, बराबर है, और हमारी कार को हो गया अराउंड कुछ, हमने 2016 में ली थी, ठीक है, अब मैं उसको तुषार को बेच रहा हूँ, भाई मैंने 2016 की गाड़ी लेकिन ऐसी मेंटेन करके रखी, ऐसी मेंटेन करके रखी, एकदम मक्खन जैसे चलती है, जबकि मेरे को पता दो बार उसका इंजन खुल चुका है, लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, धोखा, मैं फ्रॉड करना चाहता हूँ। तुषार भी एकदम इंप्रेस हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, बोले यार जब मेंटेन करके रखी है और 400,000 रुपए में कुछ गाड़ी ले लिया, ये समझ के कि गाड़ी का इंजन सुपर है, लेकिन एक्चुअली सुपर क्योंकि मैंने झूठ बोला। अरे हाँ, अगर उसको पता होती ये बात, ये फैक्ट पता होता कि गाड़ी का इंजन सुपर नहीं है, लेता क्या, अपने कंसेंट देता क्या, तो कंसेंट तो दिया, लेकिन कैसे में दिया, धोखे में, फ्रॉड में दिया, यानी कि कंसेंट फ्री नहीं है। दूसरी बात आ रही मिसरिप्रेजेंटेशन। अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंतर को छोड़ के, इंटेंशन। फ्रॉड में इरादा होता है ठगने का, मिसरिप्रेजेंटेशन में इरादा ठगने का नहीं होता है। कैसे सर, तुषार को जब मैं गाड़ी बेचा, इस बार मुझे खुद को भी नहीं पता मेरे गाड़ी का इंजन डिफेक्टिव है, अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दी, लेकिन आने वाले समय में देने वाली थी, लेकिन ये मेरे को नहीं पता था कि गाड़ी में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। मैं उसको बोल रहा हूँ भाई एक नंबर गाड़ी, और मैं ये बिलीव भी कर रहा हूँ कि हाँ मेरी गाड़ी एक नंबर है, मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरे को खुद को भी नहीं पता उसमें प्रॉब्लम आने वाली, बराबर है क्या। तो मैंने जो रिप्रेजेंट किया ना वो मिस हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन। मेरे को खुद को भी बिलीव होता कि गाड़ी का इंजन बहुत सुपर है, इसको मैंने गाड़ी दे दी, हालांकि मेरे को खुद को भी नहीं पता इस जगह में कि गाड़ी का इंजन सुपर है कि नहीं, क्योंकि मुझे अब तक प्रॉब्लम नहीं, अब गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, तो क्या मेरा इरादा गलत था क्या, नहीं, मैंने गलती से ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया, बराबर है क्या। तो दोनों में फर्क क्या था, फ्रॉड में आप ठगने का इरादा रखते हो, मिसरिप्रेजेंटेशन में आप ठगने का इरादा नहीं रखते। लेकिन अगर उसको इफेक्ट पता होता कि इंजन में प्रॉब्लम आने वाली है, ये लेता क्या, कंसेंट देता क्या, तो कंसेंट तो है लेकिन कंसेंट फ्री नहीं है, बराबर। उसके बाद क्या बोला है, मिस्टेक। अब मिस्टेक में यही वाला पॉइंट, कंसेंसस एडिडम, मैं सोच रहा था कौन सी बेच रहा हूं बुलेट, ये कौन सा सोच रहा था, केटीएम, दोनों के माइंड मीट कर रहे थे क्या, नहीं, गलती हो रही थी मीट होने में, तो मिस्टेक से भी हुआ। अगर उसको पता होता कि मैं केटीएम नहीं बेच रहा हूं, मैं बुलेट बेच रहा हूं, लेता क्या, तो मतलब मिस्टेक से दी कंसेंट, यानी कि कंसेंट फ्री नहीं, यानी कि ये पांच चीज है
अगर पांच चीज अगर अवेलेबल नहीं है यानी कि कंसेंट फ्री है, पांच में से एक भी चीज है यानी कि कंसेंट फ्री नहीं, बराबर है क्या? किसी को कोई शक यहां तक? अब मुद्दे की बात है सर, यहां पे तो उनके साथ धोखा हो गया, ये चार जगह में, इसका क्या? इसका क्या? मिस्टेक को रहने दो अभी, मैं शुरू के चार की बात कर रहा हूं, बराबर है क्या? अगर आपने किसी की कंसेंट कोअर्जन से ली, अगर आपने किसी की कंसेंट फ्रॉड से ली, अगर आपने किसी की कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली, अगर आपने किसी की कंसेंट तो जिसके साथ ये सारी आप बीती हुई है ना, जो एग्रीव्ड है ना, जो दुखी है ना, उस पार्टी के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल समझे? वॉइड का मतलब तो क्या हो जाता है? नो लीगल इफेक्ट, यानी कि हम मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, जाते रहे शादी नहीं कर रहे, जाते रहे कार नहीं खरीद रहे, बराबर है, वही होगा, वो होता है वॉइड। लेकिन जो दुखी है ना, जैसे कि इस केस में तुषल दुखी है, गाड़ी उसको फर्जी मिली, तो जो एग्रीव पार्टी है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है। क्यों? उसके साथ धोखा हुआ, उसके साथ कोर्जन हुआ, उसकी कंसेंट फ्री थी क्या? नहीं। तो तुषल चाहे तो, तुषल यानी कि एग्रीव पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को बोल दे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बोल सकता है कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, और जहां उसने ये बोला कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, वो वहीं पे वॉइड हो जाएगा। अगर वो कुछ नहीं बोलता, वैलिड रहेगा, बराबर। तो वॉइडेबल मतलब एक राइट है, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, वॉइड कर दो, आप चाहो तो उसको चलने दो, वैलिड रहने दो, बराबर है क्या? तो वॉइडेबल इज एन ऑप्शन गिवन टू एग्रीव पार्टी। ऑप्शन बोलू चाहे राइट बोलू, एक ही बात है। अच्छा, ये हो गई एक चीज। मैं आपको एक क्लैरिटी और देने वाला हूं। जस्ट बिकॉज ये एग्रीव्ड है, इसके पास राइट आ गया, ये चाहे तो वॉइड कर देगा। जस्ट बिकॉज ये एग्रीव्ड और इसके पास राइट आ गया, राइट आने से वो वॉइड नहीं होगा, राइट को इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, तब वो क्या होगा? वॉइड। समझ में आई क्या बात? चलो, एक चीज हो गई। अब मिस्टेक के केस में क्या होगा? यहाँ पे तो किसी की गलती नहीं, यहाँ पे तो कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं, यहाँ पे तो इमोशनल अत्याचार भी नहीं, यहाँ पे तो धोखा भी नहीं, यहाँ तो गलती से धोखा भी नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब वही हुआ ना, तो मिस्टेक हुई, मिस्टेक में दोनों की गलती थी, बोले यहाँ पे सीधा वॉइड करो, ऑप्शन ही मत दो किसी को भी, यहाँ पे क्या होगा? सीधा वॉइड। मिस्टेक हुई यानी कि वो बाइक वाला एग्जांपल था, जैसे ही इसको पता चलेगा यार मैं तो बुलेट ले रहा था, सॉरी मतलब ये तो बुलेट बेच रहा था, मुझे तो केटीएम चाहिए थी, क्योंकि जब पैसे लेके आएगा गाड़ी की चाबी दूंगा ना, वहीं पे क्लैरिटी आ जाएगी, खत्म हो जाएगा वहीं पे क्या हो जाएगा? वॉइड, पक्का। सबको समझ में आ गया? चलो, अब उसके बाद क्या बोले? कैपेसिटी ऑफ पार्टी, कैपेसिटी यानी कि काबिलियत, और ये काबिलियत अपन ने 500 बार डिस्कस कर ली, ओसी में भी एसपी में भी। क्या काबिलियत कैसी होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? मेजर, यानी कि 18 या 18 के ऊपर, यानी कि माइनर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता, वो क्या होना चाहिए? दिमाग में क्या आना चाहिए उसके? साउंड। अब मुद्दे की बात मैं तुमको आज थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूँ, जो अभी तक मैं लेके नहीं गया। मुद्दे की बात ये है, जब एग्रीमेंट कर रहा है ना वो, यानी कि जब वो डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उस मोमेंट में उसको साउंड होना चाहिए, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, अली असगर से अभी मैं कर रहा हूँ क्या एग्रीमेंट, उसका घर लेने के लिए चार पैक लगा के आया, बराबर है क्या? अली असगर बोल रहा है कि 7 लाख का घर लगेगा, मैं सुन रहा हूँ 60 लाख, नशे में, अरे और नशे में इंसान अंबानी होता है, 60 क्या, तेरे को 70 देता मैं, अच्छा वो बोल 7 लाख रहा है, यानी कि दिमाग क्या है, सेंसस में नहीं रहता अपने। मुद्दे की बात है, जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो ना, तब आप साउंड माइंड के होने चाहिए, बराबर। तो अभी मैं साउंड माइंड का हूँ क्या, चार पैक लगा के आया, बराबर, मान लो 4 पैक लगा के नहीं आया होता, ठीक है, और अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट किया यानी कि एग्रीमेंट किया घर लेन देन का, उसके घर के सामने एक बाढ़ था, वहां 4 पैक लगाया, नाली में गिर गया, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? हाँ, क्योंकि जब मैंने एग्रीमेंट किया तब मैं साउंड माइंड का था, बराबर है। मुद्दे की बात है, जिस समय आप एग्रीमेंट कर रहे हो उस समय आपका साउंड माइंड होना जरूरी है। अब बाद में जाके गांजा पियो, फिर रोड में जो भी हरकतें करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो तब आपके दिमाग से साउंड आना चाहिए, मतलब सेंसेबल होना चाहिए आपका दिमाग, बराबर है क्या? अरे हाँ कि ना। तो ये था साउंड माइंड, ठीक है। आगे क्या है? नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड, मतलब आप मेजर हो मान लिया, आप साउंड माइंड क्यों मान लिया? विजय मान लिया, लेकिन वो इनसॉल्वेंट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड हो गया। अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड में क्या हुआ? इनसॉल्वेंट। तो अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड में सबसे पहला पॉइंट ये है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत जोरदार आता है, एलियन एनिमी। अब मैं सिर्फ पहले एलियन की बात करता हूं, मैं एनिमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एलियन की। एलियन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश का नहीं है, वो नेपाल का है, वो एलियन है,
वो भूटान का है वो एलियन है, वो पाकिस्तान का है वो एलियन है, वो यूएसए का है वो एलियन है, वो यूके का है वो एलियन है, बराबर है क्या? अपनी कंट्री का जो नहीं है वो क्या है? एलियन है। यानी कि सिंपल सी बात, दूर देश का आदमी हमारा क्या है? एलियन है। दूसरे ग्रह से आया है, बराबर है क्या? हाँ, दूसरे गोले से आया है गोले के स्पीकर, हाँ ठीक है। अभी सुनो, अब सर एलियन को हम कैसे समझेंगे कि वो एनिमी है? अगर वो उस कंट्री से आया जिस कंट्री के साथ आपका वॉर चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान, तो एलियन तो है लेकिन साथ साथ में क्या हो जाएगा? एनिमी। यूएसए से आया, एलियन तो है, एनिमी नहीं है, नॉर्मली पर्सन है। यूएसए का बंदा आपका कोई दोस्त है, वो एलियन फ्रेंड है, वो एलियन एनिमी नहीं, पक्का। चलो यहां तक की क्लियर। अब बोला फॉरेन सोवरेन, फॉरेन सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता है सुप्रीम पावर। यहाँ का इंडियन का सोवरेन कौन है? नरेंद्र मोदी। सोवरेन होते हैं जो, बराबर है, सोवरेन। बोले फॉरेन के कोई सोवरेन है ना? अभी जैसे ट्रंप है, वो आके कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, नहीं कर सकता, बराबर है क्या? अरे वो फॉरेन के सोवरेन है, ठीक है। एम्बेसडर होते हैं, ऐसे एम्बेसडर समझते हो? आपने वो मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, जिसमें वो सबको डिपोर्ट करता है कुवैत से। कौन सी मूवी है? एयरलिफ्ट, बराबर है क्या? अब एयरलिफ्ट में कुवैत में इंडियन एम्बेसी थी, अगर आपको याद होगा। इंडियन एम्बेसी यानी कि वो क्या होते हैं? इंडियन के एम्बेसडर होते, बराबर। ऐसे ही बाहर की कंट्री की एम्बेसी हमारे यहाँ होती, बराबर, अपने लोगों के बैठे। तो वहां के जो फॉरेन नेशनल्स है ना, फॉरेन नेशनल यानी कि फॉरेन के गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉरेन के सबसे इजी वे में फॉरेन के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बराबर है क्या? क्यों पता है क्या? अरे यार वो लोग ना कुछ पब्लिक के लिए करना चाहते अपने गवर्नमेंट के लिए। अब जैसे बेबी पिक्चर देखोगे तो बेबी पिक्चर में अक्षय कुमार अंडरकवर कॉप बन के क्या क्या काम करता था? इल्लीगली। बट वो किसके लिए करता था? उस देश के नुकसान के लिए नहीं, अपने देश के भले के लिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना जो अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहे, वो फॉरेन नेशनल है, उनको अलग ही रखा है। बोले यार इनको अलग ही रखो, ये तो अंडर कॉप ही रहते हैं, तो कुछ अलग ही करते रहते, वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले नहीं है, बराबर है क्या? बढ़ू आगे। कन्विक्स अपराधी है, विजय माल्या को कर सकते हैं इसमें अपन कवर। डेजर्टर, मर्डर ऑर्डर किया भाग रहा है भगोड़ा जैसे, उसे को बोलते हैं ना एब्सकॉन्डिंग या डेजर्टर, जो भाग रहा है। ऐसे लोग क्या है? अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड। क्या जो मर्डर किया वो साउंड माइंड का नहीं है क्या? बिल्कुल साउंड माइंड का है। क्या जो मर्डर किया वो मेजर नहीं क्या? बिल्कुल मेजर, लेकिन वो अदरवाइज क्या हो गया है? डिस्क्वालिफाइड हो गया, पक्का। बढ़ू आगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स वॉट? क्विड प्रो क्वो, यानी कि क्या? कैन मीन कैश और कैन मीन कंसिडरेशन का पूरा टॉपिक है आगे, आराम से पढ़ के लेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीज मैंने आपको बताई है ये थोड़ी थोड़ी सी डिटेल में आगे आते रहेगी, बराबर है। अब कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए और आपका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, बराबर है क्या? अब पहले ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, बराबर है क्या? मैं वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का अजय देवगन हूँ, बराबर है। क्या करता हूँ मैं? स्मगलिंग, यानी कि मैं किसी दूर देश वाले से या अपने देश वाले से कुछ एग्रीमेंट करता हूँ, बराबर है क्या? किस लिए? स्मगलिंग करने के लिए। क्या ऑब्जेक्ट सही है? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, इलीगल है, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, एक इलीगल एग्रीमेंट बन के ही रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं। मैं स्मगलिंग के लिए एग्रीमेंट कर रहा हूँ, वो सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बराबर है क्या? अरे हाँ कि ना। और मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ, अपना जो अली असगर है सुपारी लेता है, मेरा सामने मेरा कॉम्पिटिटर है, 10 लाख रुपए उड़ा दे, क्या ऑब्जेक्ट लॉफुल है? ऐसे ऑब्जेक्ट एक इलीगल एग्रीमेंट बन के रह जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट में कभी कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्लिगेशन कैसा चाहिए? लीगल, ये तो इलीगल ऑब्लिगेशन हो गया, हाँ कि ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉफुल। ऑब्जेक्ट इमोरल भी नहीं होना चाहिए। इमोरल यानी कि क्या होता है? कि भाई बाप अपनी बेटी को भेज दे रहा पैसे के लिए, इमोरल हो गया, ये लॉफुल नहीं है सर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि बाप ने अगर किसी से पैसे ले लिए और बेटी को दिया नहीं और सामने वाला केस कर रहा है कोर्ट में बेटी को, तो 4 लाफड़ा कोर्ट उसी को ही लगाएगा, बराबर, क्योंकि इमोरल है, उसको वो इन्फोर्स करने वाला ही नहीं है, बराबर है। अब बात आती है कि कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन भी क्या होना चाहिए? लॉफुल। अब कंसिडरेशन लॉफुल का मतलब ऐसा है कि जैसे कि मान लो मैं बहुत बड़ा सीएस बन गया, बहुत बड़ी गवर्नमेंट कंपनी में मैं सीएस हूँ, बराबर है, इमेजिन करो। बहुत बड़ी कंपनी थी, कितनी ऊंचाई थी? बस देख नहीं पा रहे तुम लोग इतनी ऊंची है। हाँ, अब तुम भी सीएस कुछ बन गए, बोले सर आपकी पहुंच इतनी बड़ी, सर कुछ अपने जगह आपके स्टूडेंट रहे हैं,
मतलब बराबर, मतलब लेकिन भैया धंधा अपनी तरफ दोस्ती अपनी तरफ, बराबर है, अपने को क्या मिलने का? तो अब मैं तुमसे ले रहा हूँ क्या, घूस, ब्राइब। एक्चुअल में किसी गवर्नमेंट कंपनी में आपका सीएसीएस बनना है ना, गवर्नमेंट की एग्जाम क्रैक करनी पड़ती है, इंटरव्यू देना पड़ता है ना, लिमकाना ना ढिमकाना, तब जाके आपको मिलती है पोस्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कनेक्शन है ऊपर से नीचे तक, आप मेरे को कुछ तो भी कंसिडरेशन दे रहे हो, मैं आपकी जॉब लगवा रहा हूँ। क्या जॉब लगवाना अनलॉफुल है? जॉब लगवाना इज अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, बट मेरा कंसिडरेशन जो मैं ले रहा हूँ उसके बदले वो अनलॉफुल। तो अपने को कंसिडरेशन भी लॉफुल चाहिए, अपने को ऑब्जेक्ट भी लॉफुल चाहिए। अब जैसे कि आदित्य सर ने हम लोग को रखा हुआ है, बराबर है, मुझे भी, सुशांत सर को भी, बराबर है, काहे के लिए, पढ़ाने के लिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि उसको रखा है पढ़ाने के लिए, बोले तुम तो 3-5 करते रहना, लड़ते झगड़ते रहना, जो कॉम्पिटिटर्स आएंगे ना मारते पीटते रहना, बोले यहाँ दुकान मत खोलो करके, बराबर, उसके लिए मेरे को पैसे देते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल और कंसिडरेशन भी अनलॉफुल, बराबर है क्या? ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली अलग से बता दिया गया है, ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना वॉइड है, बराबर। तो उन लिस्ट में से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। वॉइड मतलब क्या, जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं। तो जब मैं वॉइड बोलता हूं तो उसके अंदर इलीगल भी आ गया, क्योंकि अपने को लॉफुल बोला है। तो अगर मैं स्मगलिंग के लिए, किलिंग के लिए, ड्रग सप्लाई करने की कर रहा हूं तो वैसे भी वॉइड है, क्योंकि इलीगल है, तो यू भी वॉइड है। अरे यहां की ना, ऐसे सर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिसको एक्सप्रेसली वॉइड बोल दिया गया, डिक्लेयर ही कर दिया, बोले ऐसा करोगे ना तो वॉइड है, देखने का ही नहीं कि सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी हो रही कि नहीं हो रही, वो यूं ही वॉइड रहेगा। कौन सा? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ये एक एग्जांपल है, लिखा है जो मैंने। आप किसी को शादी करने से रोक रहे हो, बोले ले 10 लाख रुपए, हनुमान जी का भक्त बन के रहा ना जीवन भर, बाल ब्रह्मचारी, अरे क्यों नहीं शादी करेगा भाई? तो अगर ऐसे एग्रीमेंट करते हो ना, तो कॉन्ट्रैक्ट साफ बोला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली तो वॉइड ही, यानी कि सामने वाला पैसा लेने के बाद भी अगर शादी कर लेता है आप कुछ नहीं कर सकते, बराबर है, क्योंकि वो क्या है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर आप किसी को व्यापार करने से रोक रहे हो, सामने एक अत्वम वाला कोई मान लो कोचिंग खोल रहा है, कोई बड़ी एकेडमी वाला, बराबर है, हम बोल रहे 10 लाख रुपए यहां मत खोलना, तो 10 लाख लेने के बाद भी खोल दिया ना, तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये संविधान से हमको राइट मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके बिजनेस कर सकते हो। पैसा लेने के बाद भी अगर वो बिजनेस करता है ना, और हम जाके कोर्ट में जाएंगे, बोले सर देखो 10 लाख रुपए लिया था फिर भी कर रहा है, बोले सर निकल, पहले ही हमने वॉइड डिक्लेयर करके रखा है उसको, बराबर है क्या? तो ऐसे एग्रीमेंट जो वॉइड है और ऐसे एग्रीमेंट जो इलीगल है, वो तो वैसे भी वॉइड, बराबर है क्या? तो ये अब मैं तुमको बताता, अगर इनमें से एक भी चीजें हैं वो सिर्फ एग्रीमेंट रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, बराबर। तो सेक्शन 10 के अंदर वो लीगल ऑब्लिगेशन भी आ गया, ठीक है, हो गया सेशन अपना ओवर, ये पूरा बेसिक था, अब आपको कॉन्ट्रैक्ट में कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब मुद्दे की बात है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रश्न कुछ ऐसा है कि मान लो, क्या कर लो, इंडिया में मेरी जमीन है और पुणे में मेरी जमीन है, मान लो एमजी रोड की बाजू वाली जगह मेरी है, ठीक है, अरे हाँ कि ना, जम्मू एंड कश्मीर से एक बंदा आता है जमीन लेने के लिए, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से एक बंदा आया, जमीन की डील किया, डील करने के बाद पैसे लेके आया, लेकिन मैं बोला तेरे को मैं देने वाला नहीं हूँ जमीन, क्या वो जम्मू एंड कश्मीर का बंदा मेरे वादे के खिलाफ, यानी कि जो मैंने वादा तोड़ा है उसके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जा सकता है क्या? उसके खिलाफ जा सकता है क्या? हाँ, कैसे? हाँ, महाराष्ट्र में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है, यानी कि वो इन्फोर्स कर सकता है, ऐसा है क्या? अरे कर सकता है क्या? हाँ, एलियन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का एलियन है क्या? मुद्दा ये नहीं है कि वो जम्मू एंड कश्मीर का है कि नहीं, मुद्दा ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किधर लगता है, इंडिया में लगता, पूरे इंडिया में लगता है, यानी कि महाराष्ट्र में लगता, वो कहाँ नहीं लगता है, जम्मू एंड कश्मीर, बराबर है क्या? मेरी जमीन किधर है, इधर नहीं, ये किसके जुरिसडिक्शन के अंदर आ रहा है, महाराष्ट्र के अंदर, क्या महाराष्ट्र को एक्सक्लूड किया है क्या एप्लीकेबिलिटी से, लग सकता है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वो अपना इन्फोर्स करेगा मेरे खिलाफ, बराबर है क्या? जमीन है जम्मू एंड कश्मीर की, वादे हुए हैं,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से इन्फोर्स कर सकता क्या? नहीं, वो वहां पे लगता ही नहीं, बराबर है क्या? और आपको इसमें से किसी में भी कुछ डाउट नहीं? ठीक है, पढ़ाने वाले में भी दम होता है यार, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, तो वी आर डन फॉर द डे।